हाय गाइस, तो आज हम बनाने वाले हैं ऑफ शोल्डर बेबी ड्रेस फॉर 4 to 5 इयर्स बेबी गर्ल। एंड हमने इसमें स्टिंग लगाया हुआ है शोल्डर को एडजस्ट करने के लिए। एंड इफ यू लाइक माय ड्रेस गाइस, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, डू हिट बेल आइकन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। चलिए अभी हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम लेंगे 2 रेक्टेंगुलर फैब्रिक, जिसकी हम विड्थ लेंगे 11 इंचेस एंड लेंथ हम लेंगे 17 इंचेस। अभी हम दोनों को सेपरेटली डबल फोल्ड करेंगे। एंड गाइस, हमें इन दोनों को एक ऊपर एक रखना है 1 इंच के डिफरेंस से। मैं कैसे रख रही हूँ आप ध्यान से देखिए। मार्किंग हमें अपर पार्ट पर करना है। अभी हम शोल्डर लेंगे 4 इंचेस एंड यहां पर हम 3 इंच डाउन लेंगे। अभी जो भी हमारी मार्किंग है हम उसको कट कर देंगे। एंड गाइज, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। ये है हमारा फ्रंट पार्ट एंड ये है हमारा बैक पार्ट। 1 इंच क्रॉस स्ट्रिप की मदद से अभी हम आर्म होल को फिनिश करेंगे। कर्व्ड पार्ट पर नॉचेस देंगे। अभी हम इसको फोल्ड करके फिनिश कर देंगे। बाकी के आर्म होल को भी हम सेम मैनर में फिनिश कर देंगे। अभी हमारा जो शोल्डर बॉर्डर है उसको हम फोल्ड करके फिनिश करेंगे। एंड गाइज, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर से दबाएं इंस्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए। अभी हम एक लॉन्ग स्ट्रिप लेंगे 5 इंच बाय 35 इंचेस की। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बॉटम बॉर्डर ऑलरेडी फिनिश्ड है। अगर आपके पास ऐसा बॉर्डर नहीं है तो आपको उसको पहले बॉर्डर को फिनिश फोल्ड करके फिनिश करना पड़ेगा। पहले हम इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लेंगे गाइस। अब हमें क्या करना है, इसके एंड्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते वक्त हमें बीच में ऊपर से 1 इंच का गैप छोड़ना है। देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। अभी स्टिच होने के बाद हमें इसको फिर से एक स्टिच देना है फिनिशिंग के लिए। अभी हमें अपर बॉडी के दोनों पार्ट का सेंटर पॉइंट मार्क करना पड़ेगा। अब
अभी जो हमने स्ट्रिप पर सेंटर पॉइंट मार्क किया था और जो हमारा बैक पार्ट है उन दोनों को हम सिक्योर करेंगे। स्ट्रिप को हम पहले फोल्ड कर देंगे एक बार, फिर उसको सिक्योर करेंगे। अब जो हमने स्ट्रिप के एंड पॉइंट को ज्वाइन किया था वहाँ पर हमें दूसरा फ्रंट पार्ट को सिक्योर करना है सेम तरीके से फोल्ड करके। अब गाइज हमें ये नोटिस करना है जो हमारा फ्रंट पार्ट है उस पर ही हमें ये जॉइंट पार्ट को अटैच करना है, जिससे कि जो हमारा स्ट्रिंग रहेगा वो फ्रंट के साइड रहेगा। वो आपको आगे देख के समझ में आएगा। हमने जो सिक्योर की है बॉर्डर उसको हम स्टिच करेंगे। अब जो हमारा बैक पार्ट है गाइस उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे बटन्स के लिए। अब गाइज हमें एक लॉन्ग स्ट्रिंग या डोरी प्रिपेयर करनी है, उसको हमें इस गैप के अंदर से इंसर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे गाइस, स्ट्रिंग को एंड पॉइंट तक लाएंगे, एंड पॉइंट को फोल्ड करके हमें सिक्योर कर देना है। सेम तरीके से हम दूसरे एंड पर भी करेंगे। अब हम दोनों साइड्स को मतलब फिनिश कर देंगे स्टिच करके। आप देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। हमारे दोनों बैक पार्ट हैं उनको हम नीचे से जॉइन कर देंगे। अब हम बॉटम के लिए दो फैब्रिक लेंगे जिसकी हम विड्थ लेंगे 17 इंचेस एंड लेंथ हम लेंगे 35 इंचेस। अभी हम अपर और लोअर बॉडी को जॉइन करेंगे। लोअर बॉडी पे हमें 1-1 इंच की प्लीट्स दे रहे हैं थोड़े थोड़े गैप पर।
दूसरे साइड भी हम सेम अपर और लोअर बॉडी को ज्वाइन कर लेंगे। अभी हम बेल्ट के लिए 2 स्ट्रिप लेंगे 5 इंच बाय 17 इंचेस की। उनको हम फोल्ड करके स्टिच कर देंगे, फिर उनको सीधे साइड से पलट देंगे। अभी हम फाइनली साइड बॉडी को ज्वाइन करेंगे। मेक श्योर हम बीच में बेल्ट को जॉइंट पर सिक्योर कर देंगे। अदर साइड बॉडी को भी हम सेम मैनर में स्टिच कर देंगे। यहाँ पर हम बटन अटैच करेंगे, आप कोई भी बटन अपने डिज़ायर के ले सकते हैं। और इसी के साथ गाइज हमारा ड्रेस फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विथ न्यू डिज़ाइन।